छत्तीसगढ़ के रायपुर में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव शैल्यूजा शाही परिवार से आने वाले देव छत्तीसगढ़ राजघराने के 118वें राजा हैं। बता दें कि वर्तमान में अंबिकापुर विधानसभा से प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस ने उन्हें चुना है। इसी बीच उन्होंने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की। एक लाइन में कि जो आप करना चाहते हो करो, लोगों की मदद के लिए जो घोषणाएं करनी है आप करो, लेकिन पब्लिक को झूठ बोल के नहीं। वो उनकी एकदम एक लक्ष्मण रेखा है कि वो उसको वो नहीं पार करेगी। अच्छा, क्लियर उनका ये डायरेक्शन है। एक लाइन आप पकड़ लीजिए, पब्लिक से झूठ नहीं बोलो। उस दायरे के अंदर जो आप कर सकते हो वो बोलो। ये मेरा अंतिम सवाल यही है कि अगर पुनः आप विधायक बन जाते हैं, मंत्री के पद में प्रमुख तीन ऐसे कौन से कार्य रहेंगे जो प्रमुख दायित्व के रूप में आते ही के साथ में समाधान कर देंगे और तत्कालिक? सबसे पहली बात होना चाहिए जनप्रतिनिधि के लिए लगातार लोगों से संपर्क में बने रहना। पहला काम जो उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए वो लोगों से संपर्क में बने रहना। फिर काम करने की बातें हैं, आपने तीन ही कहीं, तो घोषणा पत्र में पहली बिंदु पे है कर्जा माफी, तो कर्जा माफी होगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र की बातें हैं वो सब होंगी, शिक्षा की क्षेत्र की बातें हैं वो सब होंगी। आपने तीन ही कहा तो मैं तीन ही तक रुका। अपने विधानसभा की मैं बात कर रही थी, यहाँ की समस्या बहुत रहती है, कोई दो तीन चीज़ें नहीं है। मेडिकल कॉलेज अधूरा है, उसको पूरा करना है। हवाई अड्डा बन के तैयार है, परमिशन नहीं मिल रही है, केंद्र सरकार से रुका हुआ है। तो बतौर राज्य सरकार और क्षेत्र के प्रतिनिधि हम लोग लगातार पहल करते रहते हैं। ज्योतिराज जी से भी मैंने कई बार बात किया, आखिरी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा था कि मेरी जवाबदारी पे आप छोड़ दो। तो जब इतने बड़े आदमी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी के पद पे ये बात कह दी तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जब समय आएगा तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा और 72 सीटर हवाई जहाज यहाँ लैंड कर सकेगा। रेल यातायात है, रोड यातायात है, बिजली की बात है, रोजगार की बात है, परिवार के आमदनी को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, मूल बात चाहे वो गांव के हों चाहे शहर के हों। मेरे लिए तरक्की का एक हिस्सा तो संरचना विकास है, मूल हिस्सा परिवार का विकास है। परिवार के पास जब तक पैसे नहीं पहुंचते तो मैं सड़क और हवाई जहाज से संतुष्ट नहीं हूँ। ये ऊपरी आवरण है। मूल विकास किस चीज़ को कहते हैं? जब परिवार की क्रय क्षमता बढ़ेगी, आप उसमें सहयोगी बन सकते हो, तब तो परिवार में बेहतरी होगी। अकेले मैंने सड़क बना दी और परिवार के पास पैसे नहीं बढ़े तो सड़क किस काम? सिर्फ गाड़ी अच्छे से चलेगी, गाड़ी में धक्के नहीं लगेंगे, गड्ढों में गाड़ी नहीं चलेगी। ये सब मेरी प्राथमिकता परिवार की आमदनी को बढ़ाना है, चाहे वो गांव की हो चाहे